नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति दी गई है। राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया हुआ था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे। अर्जुन मोढवाड़िया ने बृहस्पतिवार को कहा, सत्य की परीक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। गांधी के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वह इन सब से बाहर निकलेंगे, हमें न्याय मिलेगा। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें जो सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कालोर में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए आज यानी 23 मार्च की तारीख तय की थी। जिस प्रकार से मैसेज देने की उसमें ये कामयाबी होंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख रहे हो अकेला मुकाबला करता है राहुल। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया, मुझे तो हंसी आती है। 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया, अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल से 75 साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर करके राहुल गांधी के घर पर पहुँच गए। इसकी तो पूरे देश गौर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही। अभी बहुत घमंड में अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी, इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। बोलते नहीं है मोदी जी के सामने जाने की जितनी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं, ERCP जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते। इनकी पार्टी में हालात बहुत, एक इनकी पार्टी में भी आप समझ लीजिए तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में, क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इतने घटिया स्तर के कमेंट करते हैं, वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर बैठ करके वो राहुल गांधी को कहता है मीर जाफर है। अरे मीर जाफर तो इतिहास गवाह है, मीर जाफर ने जो कारनामे किए थे ठीक है इतिहास में दर्ज है, वो कारनामे तो RSS के लोगों ने, वीर सावरकर ने किए थे,
जब मुल्क आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रहा था, पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे और वीर सावरकर भी जेल में बंद रहे, उसके बाद अनेकों बार माफ़ी मांगी लिखित के अंदर अनेकों बार। और अंग्रेजों के खिलाफ में जब युद्ध चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस जमाने में, इन्होंने क्या भूमिका अदा करी? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उस वक्त, अंग्रेजों के पक्ष की सेना में भर्ती करवाए लोगों को। तो आरएसएस का इतिहास भी है देश के अंदर। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई तब इनकी भूमिका क्या थी आरएसएस की? इनका एक भी व्यक्ति आज़ादी जंग के अंदर, जो पहले जनसंघ बाद में बनी पार्टी, और जनसंघ में कौन आए? आरएसएस के लोग ही आए। आरएसएस के लोगों ने किसी ने भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था क्या? मीर जाफर की बात करते हैं, राहुल गांधी को जोड़ करके इनको शर्म आनी चाहिए। मीर जाफर की भूमिका तो इन लोगों ने निभाई देश के सामने, साथ में शरणजीत दोला को जो उसने धोखा दिया मीर जाफर ने, वो धोखा तो इन्होंने दिया है देश को। तुम देश के नागरिक थे, राष्ट्रभक्त बनने की बात करते हो, उसके बाद में आपने क्यों साथ दिया अंग्रेजों का? ये तो इतिहास गवाह है। आरएसएस ने साथ दिया अंग्रेजों का, ये खंडन क्यों नहीं करते? 40 साल तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर इनका है आरएसएस का नागपुर के अंदर, तिरंगा झंडा तक नहीं लगा इन्होंने, अब लगाने लगे हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे राहुल गांधी का? राहुल गांधी को, मीर जाफर? अरे ये आप नई पीढ़ी को क्यों गुमराह कर रहे हो? ये आप जो है, आपकी जो हरकतें हैं, देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि हालात बड़े गंभीर है, उसमें प्रदेशवासियों को, देशवासियों सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो चुकी है, कब तक करोगे आप लोग? क्योंकि जो आज बताइए, सब हिंदू है, हम लोग हिंदू नहीं है क्या हम लोग? पर जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वोट लेने के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित है क्या? और राहुल गांधी को लेके आप पार्लियामेंट में, एक मेंबर पार्लियामेंट को बोलना चाहता है रोकने का काम पहली बार देख रहा हूँ। सत्ता पर खुद ही पार्लियामेंट डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में या असेंबली में जो सत्ता पक्ष होता है उसकी ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट को चलवाए, असेंबली को चलवाए, उसके लिए वो समझाइश करे, बातचीत करे, डायलॉग रखे विपक्ष से, ये कायदा होता है। ये उल्टा मामला हो रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है बहुत कामयाबी के साथ में, उसके बाद में ये लोग इतने घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इतनी ऐसी हरकतें कर रहे हैं।